गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, हमने अपने लास्ट वीडियो में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में पढ़ा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दैट मींस केसी। फॉर एग्जांपल हमने एक रिएक्शन ले ली, H2 plus I2 gives HI, then we can write it KC equilibrium constant as a concentration of product upon concentration of reactant. So we may write the equation as HI power 2 upon concentration of HI into concentration of I2. So, इसी तरीके से जितने जो भी रिएक्शन हमें गिवन हो उनके लिए हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो फाइंड कर सकते हैं, न्यूमेरिकली भी और एक्सप्रेशन भी। साथ में हमने कुछ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की कुछ प्रॉपर्टी पढ़ी थी, के डैश सी इज इक्वल्स टू वन अपॉन के सी फॉर इनवर्स रिएक्शन। मीन्स फॉर एग्जाम्पल ये एच टू प्लस आई टू गिव्स टू एच आई है, अगर हम इसको उल्टा लिख देते हैं कि टू एच आई गिव्स एच टू प्लस आई टू, देन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम किसी भी इक्वेशन को किसी भी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, टू से मल्टीप्लाई, हाफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, देन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल आल्सो चेंज एज पर द नंबर मल्टीप्लाइड। आपने जिस एक्स से मल्टीप्लाई किया है तो के सी पावर एक्स हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमने पढ़ा एक टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम है, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। होमोजीनियस व्हेन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट ऑल आर इन गैसेस फेज, ठीक, जब प्रोडक्ट और रिएक्टेंट यानी जितने भी उसमें कंपोनेंट है ऑल आर इन सेम फेज तो वो होमोजीनियस। इफ दे आर इन डिफरेंट फेज, कि रिएक्टेंट कुछ अलग फेज में है गैस सॉलिड लिक्विड में, प्रोडक्ट कुछ डिफरेंट में है, तो उसको हम कहते हैं हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। टुडे सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट केपी। केपी होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर गैसियस सिस्टम। जिस तरीके से इफ कंसंट्रेशन इज गिवन, किसी भी रिएक्शन में अगर हमें कंसंट्रेशन गिवन है तो हम केसी टर्म यूज करते हैं। अगर हमें प्रेशर टर्म गिवन है फॉर इज गैसेस सिस्टम, गैसेस में क्या होता है, कंसंट्रेशन भी गिवन हो सकता है, प्रेशर भी गिवन हो सकता है, तो अगर हमें कंसंट्रेशन गिवन है तब हम के सी की वैल्यू लेते हैं, और अगर हमें प्रेशर गिवन है तब हम के पी लेते हैं। अब ये के पी क्या है, के पी है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर अ प्रेशर। अब हम निकालेंगे रिलेशन बिटवीन के सी एंड के पी। इसके लिए हमने एक रिएक्शन ले ली, आर्बिट्रेरी एक इक्वेशन ले ली, ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी, जहाँ ए एंड बी आर रिएक्टेंट एंड सी एंड डी आर प्रोडक्ट, ठीक। तो अगर हम के सी की वैल्यू इसके लिए लिखेंगे तो वो हमें पता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हमने लिख लिया। इसी तरीके से अगर हम के पी की वैल्यू लिखना चाहेंगे तो के पी क्या है, प्रेशर, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, प्रेशर ऑफ सी पावर सी, प्रेशर ऑफ डी पावर डी, प्रेशर ऑफ ए पावर ए, प्रेशर ऑफ बी पावर बी, ठीक है। बट वी नो दैट फॉर आइडियल गैस पी वी इज इक्वल टू क्या होता है, एन आर टी, तो पी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, एन आर टी अपॉन वी, ठीक है, एन अपॉन वी आर टी। इसको अगर मैं ऐसे भी लिख दूं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, वी क्या है, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर ऑफ सोल्यूशन दैट इज कंसंट्रेशन, तो पी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, सी आर टी। तो चलिए आगे हम इसका रिलेशन फाइंड आउट करते हैं। केपी हमने लिया, केपी इज इक्वल टू, ये वैल्यू हम पहले लिख चुके हैं, अब हर जगह पी की जगह हम सी आर टी डाल देते हैं, सी ऑफ सी आर टी, कंसंट्रेशन ऑफ डी आर टी, कंसंट्रेशन ऑफ ए आर टी, कंसंट्रेशन ऑफ बी आर टी। अब सी सी ऐसे लिखने से बेटर है कि हम इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दें, स्क्वायर ब्रैकेट का मीन्स ही है कंसंट्रेशन, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, आर टी की पावर, बेस सेम होता है तो पावर प्लस हो जाती है, यहाँ पे भी हमने आर टी की पावर ए प्लस बी लिख दिया। इस पूरे फैक्टर को हम लिख सकते हैं केसी, तो इसकी जगह हमने केसी लिखा और हमारे पास आ गया आर टी सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी, और इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं डेल्टा एन, ठीक है। डेल्टा एन क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, बट कैसे नंबर ऑफ मोल्स, सिर्फ गैसियस, सॉलिड नहीं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, ठीक। चलिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम दो क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमने लिखा है
कि H2 plus I2 gives 2HI। इसके लिए दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कि पहला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन केसी एंड केपी। सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि केसी की आपको न्यूमेरिकल वैल्यू दे दी, केपी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, फॉर दिस रिएक्शन वी हैव टू राइट द एक्सप्रेशन केपी इज इक्वल्स टू केसी आरटी पावर डेल्टा एन। अब यहाँ पर डेल्टा एन इम्पॉर्टेंट है। डेल्टा एन क्या है, स्टिक्योमेट्रिक कोफिशियंट ऑफ प्रोडक्ट, कितना है 2 माइनस रिएक्टेंट में क्या आगे क्या है 1 एंड 1, तो क्या है 1 प्लस 1, तो यहाँ पे हो गया आरटी पावर 0। अब किसी की भी इंटीजर की पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, तो ये हो गया केसी। तो फॉर दिस रिएक्शन केपी इज इक्वल्स टू केसी। अगर आपको सिर्फ एक्सप्रेशन पूछा है तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। अगर आपको न्यूमेरिकल वैल्यू दी है देन यू हैव टू पुट द न्यूमेरिकल वैल्यू और आपका आंसर आ गया केसी इज इक्वल्स टू केपी। ठीक है, अब हम जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़े तो PCl5 PCl3 प्लस Cl2, इसके लिए आप केपी का एक्सप्रेशन लिखो। प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट है 2 1 प्लस 1 यानी कि 2 माइनस 1, तो ये हो गया RT पावर 1। ठीक, इसी तरीके से थर्ड आपका SO2 प्लस O2 गिव्स 2SO3, यहाँ पे प्रोडक्ट है 2, रिएक्टेंट में है 2 प्लस 1। ठीक है, तो RT पावर हो गया -1। तो आपका जो रिलेशन आया वो आया KP इज इक्वल्स टू KC अपॉन RT। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं KC इज इक्वल्स टू KP RT। ठीक है, क्लियर हो गया बच्चों, तो इसे इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, आप आगे जो है वो नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है।